अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कल मैं गई इम्तियाज़, मैंने ज़बरदस्त किस्म की फ़िश बनाई, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आज का व्लॉग, मगर अभी मैं जा रही हूँ इम्तियाज़। एक तमीज़ से प्रॉपरली मैं लिस्ट बना के जाती हूँ। मैं जाती हूँ न्यूप्लेक्स वाले इम्तियाज़। पहले मैं हाइपर स्टार के सामने वाले जाती थी, वो इतना अच्छा नहीं है जितना ये है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इम्तियाज़। वन टिप दैट आई वांट टू शेयर इज ऑलवेज कम पेट भर के ग्रोसरी करने, ताकि आप कोई फालतू चीज़ ना लें, कोई स्नैक्स बिना वजह के ना खरीदें। सो एंड स्टफ्ड and I'm here for grocery shopping. But पहले देखना ज़रूरी है कि कौन सी मूवी लगी हुई है। थोड़े वेकेशन ही वाइब चाहिए होते हैं मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए। बाय द वे द मिल्क दैट आई यूज़ इज़ उमंग, क्योंकि मेरे हेल्पर्स भी काफ़ी कंज्यूम करते हैं, हम भी करते हैं, और वो लो फैट भी होता है, सबसे कम प्राइसी भी होता है। इसके तो हमारे घर पर कोई थोक के हिसाब से कार्टन आते हैं। ओके, आई नो मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स आपको रेकमेंड नहीं कर रही, सजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन डाइट कोक मेरे घर में ऐसे इस्तेमाल होती है जैसे कि पानी इस्तेमाल होता है लोगों के घरों में। तो ये मैं पूरे महीने का स्टॉक एक बार में लेती हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस। एनीवे, मैंने राउंड टी बैग्स की आपको प्राइस बतानी है। मैं हमेशा टपाल वाली लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने देखा कि टपाल में 80 होते हैं और एक और ब्रांड है वाइटल, उसमें 300 होते हैं। मैंने प्राइस का अंदाज़ा लगाया तो टपाल का जो एक टी बैग है, ये आप देख सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, ये मुझे पड़ता है 11 रुपीज़ का। और जब मैंने वाइटल के टी बैग्स का अंदाज़ा लगाया, जो कि एक पैक में 300 होते हैं, वो मुझे पड़ा 7 रुपीज़ का। इतना डिफरेंस, तो मैंने ये वाले लिए हैं। और यार, घर आके मैंने चेक किए, बिल्कुल उतने ही अच्छे हैं जितने टपाल वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम स्ट्रांग हो या वो दो ऐड करने पड़े, बहुत अच्छे हैं। एंड आई प्रोमिस ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्रोमिस। एनीवे, फिर मैंने मीट लिया, इस बार मैंने एक रान ली, वो बहुत जल्दी मैं बहुत सारा मसाला और मिर्चे विर्चे लगा के बनाऊंगी आबिद के लिए और मेरे लिए। ये मेरी रान जो है, मेरी रान ये रान को वो काट रहे हैं, कुछ और डिफरेंट किस्म के मैंने गोश्त लिए, और बिल्कुल साइड से इसके बिल्कुल साथ जो है वो फ़िश मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़िश लूँ और आज ही बनाऊँ। यूजली मैं जिस दिन मछली ख़रीदती हूँ मैं उसी दिन बनाती हूँ, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बने। मुझे सब मीट पसंद है इम्तियाज का, सिवाय कीमे के, उसमें बहुत चर्बी होती है, तो ये अलग से मैं एक बड़ा सा पीस निकलवा के उसमें उसका कीमा बनवाती हूँ। इस बार उनके पास बड़ा पीस था नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी चर्बी आ गई, बट आई वाज लाइक चलो पहले से जो बना हुआ है उससे तो बहुत बेहतर है। मुझे फिश देखनी थी आप। हाँ, ये जो पीसेस बना के रखे हैं, कौन सी वाली फिश है? अमूमन मैं बेबी पैक की लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये सिंगरा ट्राई की जो पहले से निकली हुई रखी थी, एंड इट वॉज रियली गुड गाइज। उफ, मैं चाहती हूँ इम्तियाज़ मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे, बिकॉज मुझे इतनी पसंद है इनकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ये वाले एप्पल्स मेरे फेवरेट हैं, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। और फिर ढेर सारे ऑरेंजेस लिए मैंने जूस के लिए। मेरा काटने पीटने की ख्वारी करने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने मिक्स वेजिटेबल ले लिए ओपा के। और फिर महंगाई कितनी भी हो, ट्रीट तो बनती है, छोटू की ट्रीट तो बनती है। यार, मैंने बड़े अरसे बाद साबुत माश लिया, वैसे तो सर्दियों में खाने वाली दाल है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। बाय द वे, डिओड्रेंट्स आजकल इतने महंगे हो गए हैं, तो मैं आबिद के लिए जब लेने जाती हूँ, स्क्वाड के नाम से डिओड्रेंट सबसे नीचे रखे हुए थे इम्तियाज़ में, 300 समथिंग के, ये वाले नहीं, नीचे रखे हुए थे, और वो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए लिए थे। गाइस, वो इतने अच्छे निकले, इतने लॉन्ग लास्टिंग है, स्क्वाड नाम है उनका, ये वाले इस तरह के। जो मेरा फेवरेट है ना, उसका नाम है वर्कआउट, लेकिन ये वाले भी बुरे नहीं थे। इसमें मेन वाले लीजिएगा, नॉट फीमेल वाले। हेलो स्टोई मामा, क्या लाई मामा? क्या ये? ये मैं फिश लेके आई हूँ इम्तियाज से, न्यूप्लेक्स वाले इम्तियाज में। उन्होंने पहले से ये फिश के पीसेस करके रखे होते हैं पैकेट में, एंड दिस इज सो गुड। ये एक है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें पीसेस हैं। हम बनाएंगे, देखेंगे कितनी बचती है। इसके साथ ही जो मैंने सॉस बनाई थी, आसान है, नींबू का रस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और अभी नसीब लहसुन कूट रहा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ लहसुन। फिर इसमें हम ये लगा देंगे फिश में मसाला, और साथ में मैं बना रही हूँ पोटैटो वेजेस, एंड बस दैट्स इट। ये बन गया है मसाला जो इस फिश पे जाएगा मैरिनेट।
बाय द वे मैं अभी अभी घर आई थी और आबिद निकल रहा था किसी मीटिंग में जाने के लिए. मैंने कहाँ मीटिंग है? कहता है डॉलमन मॉल में चलना है. मैंने कहा हाँ बस मैं 2 मिनट में रेडी हो रही हूँ. तो ये मैं 2 मिनट में तैयार होकर निकल गई हूँ डॉलमन मॉल देखने के लिए, बस ऐसे ही जैसे कभी देखा ही ना हो. वापस मैं आ गई हूँ डॉलमन मॉल से बहुत सारी विंडो शॉपिंग करके, और बुक एक मैं लेने लगी. द बुक्स नेम वाज द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी. बट आई थॉट कि मैंने 25 करोड़ जो किताबें लेके रखी हुई हैं उसमें से मैं आधी पढ़ लूँ. आधी पढ़ ली हैं एक्चुअली, आधी रहती हैं, नॉट 25 करोड़ बट 2-3. एनीवे सो अभी हम कह रहे हैं वॉक नीचे, और ज़्यादा टाइम नहीं था. आबिद को कुछ काम करना था, लाइक अगर हम 10 मिनट भी कर लें तो वो ना होने से बेहतर है. ये इस वक्त मेरे सामने व्यू है बीच का, क्यूट फुल स्विंग पे बीच इस वक्त मेरे सामने है. एंड हवा बहुत चल रही है. आई एम श्योर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट एनी वे सुबह जाकर मैं बनाऊँगी एयर फ्राइड फिश, पैन फ्राइड पनीर वेजेस एंड सम हेल्दी कोल स्लो. वैसे आप ये कह सकते हैं कि सर्दियाँ जा चुकी हैं, मगर इस वक्त जब हम नीचे आए हैं बीच पे तो सर्दी एक्चुअली लग रही है, बट अदरवाइज तो जा चुकी है. ये है सेनेटर कैफे जहाँ कोई नहीं आता. आपके पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कॉन्डिमेंट्स, और ये पर्पल कैबेज है, गाजर को हमने कद्दूकश किया हुआ है, ये मेयोनीज और ये दही. इसमें मैंने सॉल्ट पेपर ऐड किया, ये मिक्स करेंगे, ये मज़े का कोल्ड स्टॉक बन जाएगा. आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल या कोई भी खट्टा मीठा सा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं. ये बनेंगे हेल्दीश पोटैटो वेजेस. ये ऐसे हैं कि ये गल गए हैं, लेकिन सिर्फ अब इस पैन पे मैंने एक खाने का चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी इस पर, ये जाएंगे और हल्की आंच पे एक साइड से पकेंगे फिर दूसरी साइड से पकेंगे. क्रिस्पी क्रंची नहीं होंगे, लेकिन आलू के चिप्स की जगह एक बहुत ही हेल्दी किस्म का एक ऑप्शन ऐड करके रख रही हूँ जो मुझे बाद में ऐड करनी है. ये मैं ऐड कर रही हूँ इटालियन हर्ब्स. साथ में मेरे पास ये टेक्सस बर्गर का बहुत ही मिक्स्ड सा कोई स्पाइस है, और सॉल्ट वाले पानी में मैंने इनको बॉइल किया था और हल्की हल्की सी स्किन भी रहने दी थी. अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, और वो ये कि मेरे मियाँ की बड़ी स्पाइसी सी एक सॉस बन रही है. ये बच्चे नूडल्स खाते हैं उसकी एक्स्ट्रा स्पाइसी जो सॉस होती है ना, वो जब बच जाती है तो मैं उसको हमेशा इस्तेमाल करती हूँ. आप इनके खानों में हल्की सी विनेगर ऐड करेंगे, ओयस्टर सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस, और इन सबको मिला के हम एक आबिद के लिए फ़िश के साथ की सॉस बना लेंगे जो बहुत स्पाइसी है. और जी मैडम ये देखें ये है वो मैरिनेटेड फ़िश, ब्रेड क्रम्स ब्राउन ब्रेड की. ये इस तरह से कोट करूँगी मैं एग एनी ऑयल एज इट इज़, क्योंकि हमें इसको एयर फ्रायर में पकाना है. बस हल्का सा ऊपर से हमें क्रंच चाहिए. ये मैंने रख दिया एयर फ्रायर पे 140 पे. इसको मैं रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए, और बीच में मैं चेक कर लूँगी. ये मेरी सॉस जो कि बहुत ही डिफरेंट है, केपर्स, लेमन जूस, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, पेपर, दैट्स इट. इसको मैं हल्के से कॉर्नफ्लोर के साथ पकाऊंगी, मेरी सॉस रेडी हो जाएगी फिश के साथ. ये कैसी ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हुई है, आपको आवाज़ आ रही है कि ये खस्ता हो गई है. और अब मैं इसको पलटूंगी तो ऐसा होगा, और फिर मैं पकाऊंगी. बाय द वे आप 200 पे यानी फुल पे भी पका सकते हैं, ये लिटरली 15 मिनट में एक पक जाए. पोटैटो वेजेस विदाउट एनी मैदा, एनी कोटिंग, एयर फ्राई हो चुकी है फिश. नाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि आधे पोटैटो वेजेस हमने ऐसे पैन में सस्ता करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में नसीब बेचारा खड़े खड़े थक गया, सस्ता नहीं हुए. और मीनवाइल मैंने ये बिल्कुल सेम चीज़ मैंने एयर फ्राई कर ली, तो ये बेहतर हो गई है. लेकिन मुझे ये था कि इसमें मैं फ़िश भी कर रही थी तो इसमें मैं वेजेस कैसे करूँ, बट आई थिंक लेसन लर्नड कि नेक्स्ट टाइम हम इसमें करेंगे, बिकॉज इसमें करने के चक्कर में तो हम जो है ना वो भुजिया बना दी हमने. तो ये आपको पता कैसे चलता है जानू? एक मिनट हाँ एक मिनट जानू, मामा आ रही है. जी मेरी जान, गुड मॉर्निंग कह रही हो?
आओ आपका खाना देखिए। खाने में तो हमारे कोई मसला नहीं है, मामा का प्यार चाहिए। कह ही नहीं रही कि आप गलत कह रही हो जानू, बिल्कुल सही कह रही हो आप, लेकिन पहले मामा पानी पिएगी। हाँ ओ माय गॉड, पहले पानी, हाँ पहले पानी फिर प्यार। तो आंटी तो ऐसे ही चुटू मुझे। जी हाँ, ये जिस तरह आप स्टाइल से आती हैं कमरे में आके दिखाएं, स्टाइल से। अच्छा तो आओ ना अंदर। सॉरी आ जाओ, कहाँ ऊपर। अच्छा सॉरी शानू, जब आप मुझे मिले थे आपकी जबान नहीं चलती थी बेबी, और अब आप जो हैं वो चुप नहीं होती हैं। वो क्या हो रहा है वहां, देखो वो क्या हो रहा है। वो भी सफाई कर रहे हैं जानू, वो भी सफाई कर रहे हैं। जी जानू, वो देखो वहां देखो, ये रही सफाई। देखिए सिर्फ आप नहीं है जो सफाइयां गलती हैं, हम भी गलती हैं। हम अपनी नहीं गलती, हम घर की गलती हैं। हमने एक नया शोपीस लिया है और ये पर्शिया से आया है। ये आर्मरेस्ट का काम भी करता है एक सोफा पे, ये आप अगर चेक करें, और ये आपको प्यार भी करता है, बहुत कडल्स देता है, किसेस देता है मॉर्निंग। पता नहीं क्या नाम है इसका, स्नोबेल। Assalamualaikum and welcome to another vlog. आज है ट्यूसडे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इट इज कॉल्ड शिल्बर, जिसपे मैं अक्सर गाना दिलबर दिलबर, आई डोंट नो, इट्स वेरी लेम, बट इट इज व्हाट इट इज। माय सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी लेम गाइस, बट एनीवे, इसको हम कहते हैं टर्किश एग्स। मैं उसकी रेसिपी अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। इट्स सो ईजी, सो सिंपल हो गया, so easy, so simple, just looking like a wow. It doesn't only look like a wow, but it tastes like a wow also. But disclaimer, आपको ये रेसिपी तब ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आपको योगर्ट पसंद है। I am a yogurt lover. मुझे दही बहुत पसंद है, and for people who do not know, dahi is also a very good source of protein. आजकल मैंने अपनी ज़िंदगी में protein बढ़ा दिया है आपको हर किस्म के गोश्त से, दही से, अंडों से। So if you like dahi, keep consuming दही रोजाना, probiotics, prebiotics, protein, क्या चाहिए और आपको। So let's get started. पानी मैंने पहले से उबलने रख दिया था, because इसमें क्या होता है कि eggs को आप poach करते हैं। ये इतनी healthy recipe इसलिए भी है क्योंकि इसमें eggs boil होने वाले boring भी नहीं हो रहे हैं और fry भी नहीं हो रहे हैं, because आजकल मैंने oil का इस्तेमाल इतना कम कर दिया। जो आपको oil मिलता है ना, normal canola oil, cooking oil, जो normal रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, इट्स क्रैप गाइस। तो इस रेसिपी में कोई ऑयल है ही नहीं। एग्स को हम करेंगे पोच, आई विल शो यू हाउ। नंबर वन, जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसमें एटलीस्ट 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर ऐड करना है मिक्स। अब बॉयलिंग नहीं होना चाहिए पानी, लाइक ऐसे नहीं उबलना चाहिए, गर्म होना चाहिए बस। ऐड कर देंगे, डोंट वरी, आपको लगेगा मेस हो गया है, डू नॉट वरी। फॉर द बेस इसमें जाएगा एग, आप इसमें ग्रीक योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। बेसिक रेसिपी की डिमांड रिक्वायरमेंट है ही ग्रीक योगर्ट, लेकिन क्योंकि ग्रीक योगर्ट मुश्किल से मिलता है, आप इसी योगर्ट को ग्रीक भी बना सकते हैं। हाउ, आप इसको एक मलमल के कपड़े में, जो नॉर्मल दही होता है उसको मलमल के कपड़े में आप रख सकते हैं, पानी सारा उसका नीचे बह जाएगा, पूरी रात के लिए भी आप बाहर लगा सकते हैं उसको, 6 घंटे में भी ये काम हो सकता है, तो वो फिर स्मूथ क्रीमी योगर्ट बन जाएगा। आई पर्सनली लाइक जो हमारा खुला दही होता है ना, वे मोर देन एनी ग्रीक योगर्ट इन द वर्ल्ड, मुझे बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग लगता है। सो आई एम गोइंग टू यूज नॉर्मल योगर्ट, जो थोड़ा सा थिन होता है, जो खुला दही आपको मिलता है, नॉट किसी डब्बे वाला, खुला दही। सर्विंग बना रही हूँ तो 1 कप दही है, इसमें चॉप्ड लहसुन, हमने लहसुन को चॉप किया है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, ये तकरीबन 4 लहसुन के जवे, ये मैं ऐड कर दूंगी। इससे बहुत मजे का फ्लेवर आता है, फ्रेशली ही इसको इस तरह से चॉप कीजिएगा। आप चाहें तो थोड़े से पीसेस इसके रख सकते हैं, मैंने नहीं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड हरा धनिया, लेकिन इसमें एक्चुअली
फ्रेश चॉप्ड पार्सली ऐड होता है, अगर आपके पास है उससे जबरदस्त कुछ नहीं हो सकता, वरना आप ड्राइड पार्सली ऐड कर सकते हैं या हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, जस्ट बेस्ट। अच्छा सा मिक्स करेंगे, सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल परफेक्ट वे। जो विनेगर मैंने ऐड किया है ना और जो पानी बॉयल नहीं हो रहा उसकी वजह से ये कितना परफेक्ट है। अच्छा मैं इसको हमेशा पहले किसी और प्लेट में निकालती हूँ और फिर मेन उसमें, बिकॉज देखें पानी ऑफकोर्स इसका एक्स्ट्रा निकलेगा तो वो दही पे पानी पानी कर देगा दही को। ये देखें इतना जिगली रनी एंड परफेक्टली कुक्ड आ जाएगा किसी प्लेट पे। ये एग वाइट्स, क्योंकि मुझे योग तो वैसे भी नहीं खानी, जो बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये एग वाइट्स को भी आप ऐसे कर सकते हैं। एग वाइट्स तो 3-4 एक साथ आप कर सकते हैं, 3-4 एग्स की इफ यू वांट। भी हो चुका है, मीनवाइल स्नोई पागल हो गई है। जी जानू, तो जानू आपको जूमीज हो रही है तो मैं कैसे खेलूं आपके साथ, मैं कोई कैट हूं बेबी, आप खेलो अपना। ओए मेरा बेबी जानू, वो वहां झाड़ू लग रहा है, इज दैट ओके, कैन वी डू इट, थैंक यू। एनीवे अच्छा ये मैं रेड चिली यूज कर रही हूं ऊपर का बटर बनाने के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, लाइक जो एक्चुअली चीज़ यूज़ होती है वो सुमक है, जो कि टर्किश खानों में यूज़ होती है। बटर को हमने 1 tablespoon बटर को हमने मेल्ट कर लिया है, इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। All right, so this was my Turkish shilba and I hope you like the recipe. इसको ज़रूर try कीजिएगा और इसको किसी sour dough के साथ या किसी अच्छी वाली ब्रेड के साथ खाइएगा उसको टोस्ट करके। I usually like Loafology की olive and rosemary। अगर आपके पास ना हो तो जो normal ब्रेड होती है उसमें आपने क्या करना है कि जैसे हम उसको बचपन में नहीं सेकते थे घी के साथ हल्की आंच पे, वैसे ही हल्की आंच पे हल्का सा बटर, सम थाइम ओरिगैनो, एनी इटालियन हर्ब दैट यू लाइक, चॉप्ड लहसुन, उसमें उसको दोनों साइड से उस पर लगा के हल्की आंच पे या तो उस पर पका लें देर तक, या फिर एक बार आपने वो कर दिया तो आप टोस्टर में भी ऐड कर सकते हैं। टोस्टर हो जाएगा तबाह लेकिन चीज़ अच्छी बनेगी। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अभी मैं बस ये ब्रेकफास्ट ब्रंच कुछ करूँगी एंड उसके बाद मैं वेट करूँगी, थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी, नीचे जाऊँगी शूट के लिए। हमारी आज की शूट प्लान है, इट्स एन ईस्टर्न क्लोदिंग ब्रांड एंड कौन सा ब्रांड है, क्या शूट है, ये इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप क्यूट क्यूट घर घर के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, समटाइम्स बाहर के भी, व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग और समथिंग, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और क्या चाहिए एंड दैट्स इट। अभी कंस्ट्रक्शन की ठक ठक स्टार्ट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।